क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब बनेटिया तालाब इन दिनों शहरवासियों और प्रदेशवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते तालाब पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गया है और गौरतलब है कि कई वर्षों से प्रदेश में बारिश न होने के चलते क्षेत्रवासी तालाब का ऐसा नजारा देखने के लिए चूक जाते थे, लेकिन इस वर्ष लगातार हो रही बारिश से सभी के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं दिगंबर जैन समाज के तीर्थ स्थल यहां होने से श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लाभ के बाद तालाब का नजारा देखने दूर दूर से देपालपुर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच चिंता का विषय यह है कि जिला प्रशासन की ओर से तालाब में नागरिकों की सुरक्षा की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। लोग बेपरवाह होकर तालाब में गोते लगा रहे हैं और जैसे मानो की स्वयं की ही अनहोनी को आमंत्रण दे रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम देपालपुर में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा तालाब माना जाता है, नाम है बनेड़िया तालाब और तकरीबन कई सौ सैकड़ों बोल सकते हैं कि एकड़ की ज़मीन पर यह तालाब तैयार किया गया है और तकरीबन 50 से 60 गांवों को बोल सकते हैं कि किसानों को यहाँ से पानी प्राप्त होता है प्रतिवर्ष। और जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि तकरीबन 3 साल बाद कुछ ऐसा आलम तैयार हुआ है कि यहाँ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि इंदौर शहर में 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते जो जल का प्रवाह है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मधुर संगीत पानी के माध्यम से निकल रहा है, जिसको देखने के लिए सुनने के लिए दूर दूर से लोग जो हैं वो इस तालाब पर आ रहे हैं, कुछ नहाने के लिए और कुछ सिर्फ देखने के लिए कि आखिरकार कैसा माहौल है। हमारे बीच कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए यहाँ मौजूद लोगों से चर्चा करते हैं कि जो सालों बाद इस प्रकार का जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है उसके लिए वे क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? इंदौर से। सिर्फ हाँ, ये बनेड़िया तालाब को देखने के लिए? हाँ, वो मंदिर भी हमारे तो वहाँ पे दर्शन करने। अच्छा, भी दोनों चीजों के लिए। कैसा क्या माहौल लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल लगा, ऐसे मौसम में यहाँ आउटिंग करने के लिए पूरी फैमिली के साथ आए हम लोग। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कितने सालों बाद देखने को मिला ऐसा? 5-6 सालों में। 5-6 सालों? यस सर। नेपालपुर के आप चूंकि यहाँ रहते हैं, इस तालाब से बहुत करीब से रूबरू रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कितने सालों बाद ऐसा दृश्य सामने आया? करीबन 3-1 साल बाद यहाँ पे 5 पे पानी आया है, 3 साल बाद ये तालाब पूरा भरा हुआ है। नहीं तो 3 साल से बारिश कम होने के कारण 5 चली नहीं रही थी, कोई भी ऐसा वो नहीं था। आसपास के 50-60 गांव इस तालाब से पानी लेते हैं और सिंचित होते हैं वहाँ की जमीनें। और अच्छा, यहाँ पर जैसे कि लोग नहा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, कोई ऐसे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? अगर कोई होनी अनहोनी इस बीच अगर हो जाती है तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई सुरक्षा की व्यवस्था तो यहाँ भी शासन प्रशासन द्वारा हुई नहीं है। बाकी होनी अनहोनी होती है पर इतनी कोई खास नहीं होती। अभी तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि कुछ हुआ यहाँ पे, 1-2 बार कुछ हुआ था लेकिन कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल फैमिली के साथ आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अब ये तो मैं आपको बता नहीं सकता है, फर्स्ट टाइम हम दो ही पिकनिक पे आए इसे फैमिली के साथ। अच्छा, खूब इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इतना बढ़िया पानी का बोल सकते हैं। हाँ, दृश्य है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि दिन भर की जो भाग दौड़ रहती है फुल रिलीफ मिला है। बिल्कुल एकदम रिलीफ वाला काम है। और जैसा कि देख रहे हो यहाँ का जो फाउंटेन और झरना जो दिखा उसको देख के सारी थकान निकल गई। इतनी दूर से पैदल आए थे कीचड़ के अंदर, क्या करे और यहाँ आके बिल्कुल लग रहा है कि यार हाँ बिल्कुल 100%।